we are going to discuss a very important novel, and that is French Lieutenant Woman. And it is written by John Fowles in 1969. And the screenplay for this novel is written by Harold Pinter. ये स्क्रीनप्ले एंड हैरोल्ड पिंटर ने इस नॉवेल के लिए स्क्रीनप्ले लिखा हुआ है. दीज आर द कैरेक्टर्स एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ दिस नॉवेल इज सरा वुडरफ. सरा वुडरफ इज आल्सो नोन एज फ्रेंच लेफ्टिनेंट वुमेन एंड शी इज आल्सो नोन एज अ ट्रेजेडी. सो इन द स्टार्टिंग ऑफ द नॉवेल वी सी सरा वुडरफ एंड चार्ल्स स्मिथसन आर इन अ फ्री मैन. ये चार्ल्स स्मिथसन है, ये इसकी फियांसे का नेम है अर्नेस्टीना फ्रीमैन, जो कि एक ट्रेडर्स की डॉटर होती है. और जो चार्ल्स है एक लोकल लैंड ओनर है और एक ऑर्फन बॉय होता है. इन दोनों का लव अफेयर चल रहा होता है और अर्नेस्टीना को कंजम्पशन की प्रॉब्लम होती है. तो चार्ल्स के सामने ये शर्त रखी जाती है कि उसको अर्नेस्टीना के साथ तब तक रहना है जब तक कि वो फुली रिकवरी नहीं कर देती है. ये दोनों लोग घूम रहे हैं और कहाँ पे घूम रहे हैं, ये कोस्टल एरिया, कोस्टल एरिया के पास. ये कहाँ पे ये लोग जा रहे हैं, लाइमरेस इस जगह पे ये दोनों लोग घूम रहे हैं और घूम के अपनी बातें कर रहे हैं. यहाँ पे इनको दिखाई देती है एक लड़की, एक वो लड़की होती है सरा वुडरफ. ये लोग सरा वुडरफ को देखते हैं तो अर्नेस्टीना चार्ल्स को सरा के बारे में बताती है कि कैसा कैसे इसकी इस सोसाइटी में, इस एरिया में कैसे बैड रेपुटेशन है. क्यों बैड रेपुटेशन है, क्योंकि सरा वुडरफ का एक फ्रेंच ऑफिसर के साथ रोमांस होता है जो कि बाद में इसको छोड़ के चला जाता है. उस फ्रेंच ऑफिसर का नाम होता है वर्गनिस, लेकिन ये इसको छोड़ के चला जाता है जिसके बाद इसकी रेपुटेशन बहुत ज्यादा खराब हो जाती है. और ये यहाँ पे अपनी आंटी, आंटी भी आप कह सकते हो और ये भी कह सकते हो कि ये यहाँ एज अ जॉब में काम कर रही है, मिसेस पॉर्टेंसी, मिसेस पॉर्टेंसी क्या ये रह रही है. लेकिन ये सरा की जो पास्ट है, सरा का पास्ट बहुत ज्यादा खराब होता है, दुखद होता है. ये सारी चीजें अर्नेस्टीना चार्ल्स को बताती है. तो चार्ल्स बहुत ज्यादा इगर होता है ये जानने के लिए, एग्जैक्टली आई वॉन्ट टू नो समथिंग अबाउट द पास्ट ऑफ सरा. ये बहुत कोशिश करता है जानने के लिए. और इसको धीरे धीरे क्या होता है, सरा से प्यार भी हो जाता है. सरा से ये मिलता है, कई बार मिलता है, सरा इसको अपने पास्ट के बारे में सारी चीजें बताती है. तो चार्ल्स बोलता है कि मैं तुमको कुछ मनी दे देता हूँ तो तुम ये जगह छोड़ के चली जाओ और कहीं बाहर अपने लिए कोई एम्प्लॉयमेंट ढूंढ लो. चार्ल्स इसको कुछ पैसे दे देता है सरा को. इतने में चार्ल्स को ये पता चलता है कि उसके चार्ल्स के अंकल का नाम होता है रॉबर्ट. चार्ल्स अंकल का नाम होता है रॉबर्ट. और यहाँ पे रॉबर्ट के कोई भी बेटा नहीं है. तो जब तक रॉबर्ट को कोई भी बेटा नहीं होता है तब तक इसके प्रॉपर्टी का जो हेयर होता है, अधिकारी होता है, वो चार्ल्स होता है. लेकिन अभी चार्ल्स को यहाँ पे ये लेटर मिला है कि रॉबर्ट इसके अंकल इस लड़की से शादी करने जा रहे हैं. तो ये बहुत परेशान होता है, ये सोचता है कि तब तो मेरे हाथ से पूरी प्रॉपर्टी चली जाएगी. तो ये सोचता है कि मैं जाऊँ अपने अंकल से मिलूँ, ये अंकल से आपके जाके मिलता है. और यहाँ पे सरा क्या करती है, लाइम रेडी छोड़ के एक्सीटर जगह चली जाती है. एक प्लेस होता है एक्सीटर, एक्सीटर जगह पे चली जाती है और अपना एड्रेस छोड़ देती है. जब चार्ल्स वहां से अपने अंकल के पास वापस लौट रहा होता है तो उसके साथ उसका सर्वेंट भी होता है. इसके सर्वेंट का नाम है सैम, ये इसका सर्वेंट है चार्ल्स का. तो इस टाइम इसका सर्वेंट भी इसके साथ है. तो ये चार्ल्स सैम को बोलता है कि तुम किसी को ये मत बताना कि हम लोग एक्सीटर में रुके हुए थे और मैं सरा से मिला था. तो सैम हाँ बोल देता है कि जाके सरा से मिलता है. सरा इसको सारी चीजें बताती है, बोलती है कि आई वॉन्ट योर सपोर्ट, आई वॉन्ट योर हेल्प. तो चार्ल्स बोलता है ओके, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा. फिर उसके बाद वो वापस लौट रहा होता है तो वो ये सोचता है कि क्या अर्नेस्टीना के साथ मैं खुश नहीं रहूंगा और अर्नेस्टीना के साथ मेरी मैरिज हो जाएगी. फिर मेरे अंकल ने मुझे अपनी प्रॉपर्टी से निकाल दिया है तो मुझे इनके फादर के साथ जॉब करनी पड़ेगी, तो क्या मेरा फ्यूचर हो जाएगा. इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान होता है. लेकिन फिर भी कोई बात नहीं,
ये जाके अर्नेस्टीना से मिलता है, अर्नेस्टीना से मिलता है तो अर्नेस्टीना के बीच में चार्ल्स के बीच में आर्गुमेंट होता है। यहाँ पे चार्ल्स अर्नेस्टीना को बताता है कि मैं फ्रेंच लेफ्टिनेंट होर से मिला था। तो वो बोलती कौन थी वो होर, तो ये पूरी डिटेल स्टडी उसको नहीं बताता है उसके बारे में, बस थोड़ा सा बताता है और यहाँ पे इसकी एंडिंग हो जाती है। जब सेकेंड एंडिंग स्टार्ट होती है तो उसमें हम लोग ये देखते हैं कि चार्ल्स का और सराह का, चार्ल्स सराह से मिलता है एक्सीटर के होटल में जाके और वहां पे इनके बीच में सेक्सुअल रिलेशन डेवलप होता है। उसके बाद चार्ल्स को ये पता चलता है कि सराह इज वर्जिन, तो वो सराह के ऊपर बहुत गुस्सा होता है और सराह से बोलता है कि तुमने मुझे झूठ बोला, तुमने मुझे ये सब क्यों नहीं चीजें बताई। तो ये बात सुन के सराह चुप रह जाती है, वो कुछ भी नहीं बोलती। यहाँ पे चार्ल्स लेटर लिख के अपने सर्वेंट को देता है और उस लेटर में ये लिखता है कि मैं अर्नेस्टीना के साथ अपनी एंगेजमेंट ब्रेक कर रहा हूँ, मुझे इसके साथ एंगेजमेंट नहीं करनी है। और वो लेटर सैम को देता है और सैम से कहता है कि तुम जाके लेटर अर्नेस्टीना को डिलीवर कर दो, ठीक है। लेकिन सैम एग्जैक्टली इस लड़की मैरी, ये जो लड़की मैरी है, ये मैरी कौन है, ये अर्नेस्टीना की आंट की मेड होती है, की मेड होती है। तो सैम और इसका रोमांस चल रहा होता है, तो सैम ये सोचता है कि अगर मैं ये लेटर अर्नेस्टीना को डिलीवर कर दूंगा तो मेरा और मैरी का रिलेशन खराब हो जाएगा। तो वो क्या करती है, वो लेटर डिलीवर नहीं करता है और एक लेटर और चार्ल्स देता है, उसको बताता है कि तुम ये लेटर सराह को दे देना और उसमें ये लिखता है कि मैंने अर्नेस्टीना से एंगेजमेंट ब्रेक कर ली है, मैं जल्दी तुमसे मिलूंगा। ये लेटर भी सैम सराह को नहीं देता है और झूठ बोल देता है कि सराह ने कोई भी रिस्पॉन्स मुझे नहीं दिया है। इसके बाद अर्नेस्टीना को लेटर नहीं मिलता है, चार्ल्स जाके सराह से मिल जाता है, इनका सक्सेसफुल रिलेशन डेवलप होता है, ये सारी चीजें हो जाती है यहाँ पे। इसके बाद सराह यहां से छोड़ के चली गई है, एक्सीटर जगह भी इसने छोड़ दी है, कहां चली गई है किसी को कुछ भी नहीं पता है। चार्ल्स वापस एक्सीटर जाता है, वहां देखता है कि एक्सीटर में अब सराह नहीं है, वो बहुत परेशान होता है। लेकिन सराह कोई भी अपना परमानेंट एड्रेस छोड़ के नहीं गई है कि एग्जैक्टली वो कहां जा रही है, ये बहुत परेशान होता है चार्ल्स, बहुत परेशान होता है। 2 साल तक एक जगह से दूसरी जगह, एक देश से दूसरे देश से घूमता रहता है, लेकिन इसको फिर भी सराह का पता नहीं चलता है और वो सराह को बहुत ज्यादा मिस करता है। वो चाहता है मुझे कैसे भी करके मुझे सराह मिल जाए, मैं सराह के साथ शादी कर लूंगा और मैं उसके साथ रहूंगा, लेकिन उसको कुछ भी पता नहीं चलता है। चार्ल्स का एक लॉयर होता है जिसका नाम होता है मॉन्टेग, ये चार्ल्स का लॉयर होता है। ये 2 साल के बाद बताता है लेटर के थ्रू चार्ल्स को कि सराह का एड्रेस पता चल गया है कि सराह कहाँ रह रही है। चार्ल्स ये पता कर, उसको जब पता चल जाता है कि सराह कहाँ पे रह रही है तो वो उसी एड्रेस पे जाता है और देखता है कि सराह वहां पे बहुत अच्छी मॉडर्न ड्रेस में है और एक बहुत अच्छे से एक मॉडर्न घर पे रह रही है। तो अब चार्ल्स क्या करता है, यहाँ पे सराह से मिलता है और सराह को बोलता है कि तुम मेरे साथ चलो और मैं तुमसे शादी कर लेता हूँ। लेकिन यहाँ पे सराह मना कर देती है शादी करने के लिए और बोलती है नहीं, मैं अपनी इसी लाइफ में बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ। और सराह कहती है चार्ल्स से कि मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहती हूँ, तो वो अपनी बेटी से मिलवाती है चार्ल्स को। वो बेटी एग्जैक्टली उस टाइम पे उसने कंसीव कर दिया था, उसकी प्रेगनेंसी हो गई थी जिस टाइम फर्स्ट टाइम चार्ल्स और सराह का सेक्सुअल रिलेशन डेवलप होता है, उसी टाइम पे सराह ने कंसीव कर लिया होता है। लेकिन चार्ल्स उसकी ये बात बिल्कुल भी नहीं मानता है और कहता है कि नहीं, तुम धोखेबाज हो और तुमने मेरे साथ गलत चीज की है और मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना पसंद करता हूँ। उसके बाद वो उसको छोड़ के यूनाइटेड स्टेट चला जाता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट सराह, जब चार्ल्स सराह से मिलने जाता है तो सराह कहाँ रह रही है, सराह यहाँ पे एक नेम है डीजे रोसेटी कौन है, आप सब लोग जानते होंगे, आप लिटरेचर के हैं, ये पेंटर है और पीआरबी पोएट है। पीआरबी का मतलब है प्री राफेलाइट ब्रदरहुड। चार्ल्स
सरा कहाँ रह रही है? डीजे रोसेटी के घर पे रह रही है, और सरा बताती है चार्ल्स को, मैं यहाँ पे एज अ मॉडल यहाँ पे रह रही हूँ और मैं इनकी पेंटिंग का मॉडल हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, मैं इस लाइफ से बहुत ज्यादा खुश हूँ। और चार्ल्स यहाँ पे इसको छोड़ के यूनाइटेड स्टेट चला जाता है, यहीं पे ये स्टोरी खत्म हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको ये याद रखना है कि सरा एग्जैक्टली कहाँ रह रही थी, डीजे रोसेटी घर पे रह रही थी। अब मैं आपको ये दिखाती हूँ कि इस नॉवेल से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए। तो फ्रेंड्स देखिए, ये है क्वेश्चंस जो लास्ट एग्जाम में पूछे गए थे। विच एमंग द फॉलोइंग नॉवेल हैज मोर देन वन एंडिंग? फर्स्ट इज लकी जिम, द प्राइम होम इज जिम ब्रूडी, द फ्रेंच लेफ्टिनेंट वुमैन एंड द क्लॉकवर्क ऑरेंज। सो द राइट आंसर इज द फ्रेंच लेफ्टिनेंट वुमैन। इस नॉवेल में थ्री एंडिंग है, फर्स्ट एंडिंग, सेकेंड एंडिंग एंड थर्ड एंडिंग। फर्स्ट एंडिंग में चार्ल्स अर्नेस्टीना के साथ अपना रिलेशन ब्रेक करता है, उसको बताता है कि मैं फ्रेंच लेफ्टिनेंट गोर से मिला था। सेकेंड एंडिंग में ये बताते हैं कि चार्ल्स सरा वुड्रफ से मिलता है, फिजिकल रिलेशन डेवलप करता है और उसी टाइम वो कंसीव कर लेती है। और उसकी थर्ड एंडिंग में ये दिखाते हैं कि जो सरा है वो एक्सिटर नामक जगह छोड़कर लंदन चली गई है, और जहाँ पे दो साल के बाद वहां पे चार्ल्स उससे जाके मिलता है, बट वो सरा उसके साथ जाने से मना कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इन हूज हाउस वॉज सरा वुड्रफ वॉज लिविंग इन द नॉवेल द फ्रेंच लेफ्टिनेंट वुमैन? तो आपको पता है कि इसका आंसर है डीजे रोसेटी, जो कि हमारे पीआरबी पोएट है। सो दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड इन द लास्ट ईयर्स पेपर। सो आपको समझ आ ही गया होगा। सो थैंक यू सो मच।